मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क कार्यक्रम के तहत भारतीय शिक्षकों को भी दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में भेजने का फैसला किया है। ज्ञान कार्यक्रम के अगले चरण को अमली जामा पहनाने के लिए मंत्रालय ने तैयारियां शुरू कर दी। अब इस कार्यक्रम के तहत सिर्फ विदेशी शिक्षकों को भारत बुलाया जाता है। विदेशी शिक्षक देश के उच्च शिक्षक संस्थानों में एक तय समय तक पढ़ाने का काम करते हैं। कार्यक्रम के तहत पिछले साल 800 से ज्यादा विदेशी शिक्षक भारत आए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे को लेकर आगरा में तैयारियां अब तेज हो गई हैं। आगरा में पीएम मोदी और ट्रंप के साथ साथ ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप के पोस्टर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि ट्रंप 24 फरवरी को आगरा आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे के स्वागत के लिए 14 साल के किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का स्केच बनाया है। यह स्केच अहमदाबाद के जिला कलेक्टर कलाकार माहिर पटेल की ओर से ट्रंप को भेंट करेंगे। 8वीं में पढ़ने वाले छात्र माहिर को मोदी ट्रंप का स्केच बनाने में तकरीबन 30 घंटे लगे। माहिर ने अपने स्केच में दोनों नेताओं की दोस्ती और उनके तालमेल को दर्शाया है और उन्हें ये माहिर स्केच उन्हें गिफ्ट में देंगे। आपको बता दें कि माहिर ने पेंटिंग 5 साल की उम्र में ही शुरू कर दी थी। उसके स्नेच करने की तारीखें यूट्यूब पर वीडियो में देख सकते हैं। माहिर इससे पहले मदर टेरेसा, रॉबर्ट डाउनी जैसे चर्चित हस्तियों के स्केच बना चुका है। मेलानिया ट्रंप दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आने वाली है। सूत्रों के मुताबिक मेलानिया के इस कार्यक्रम से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का नाम हटा लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन समारोह को भी संबोधित किया। दिल्ली के इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आतंकियों और भ्रष्टाचारियों को निजता का अधिकार नहीं है। पीएम मोदी ने कॉन्फ्रेंस में जेंडर जस्ट वर्ड के विषय को शामिल करने पर खुशी जाहिर की है। दुनिया का कोई भी देश, कोई भी समाज जेंडर जस्टिस के बिना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है और न ही न्यायप्रियता का दावा कर सकता है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह सही है कि पड़ोसी देशों में उत्पीड़न के शिकार जो नागरिक हैं वो हिंदू हैं और सीए उन्हीं को नागरिकता देने का कानून है। उद्धव ने बताया कि पीएम ने कहा है कि पूरे देश में एनआरसी नहीं होने जा रहा है, केवल असम में ही एनआरसी है। एनपीआर लागू करने पर कांग्रेस एनसीपी के ऐतराज से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि हर साल 10 साल में जनगणना होती है और एनपीआर इसका हिस्सा है। एनपीआर किसी को घर से बाहर निकालने के लिए नहीं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम 25 अप्रैल को पड़ने वाली अक्षय तृतीया से शुरू होने की संभावना है। नवगठित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अपनी 3 और 4 अप्रैल को होने वाली बैठक में राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत की तारीख का ऐलान कर सकती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में फैसला लिया जाएगा कि किस एजेंसी के निर्माण कार्य का जिम्मा सौंपा जाए। ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल के मुताबिक मंदिर निर्माण कार्य के लिए दिग्गज लार्सल एंड ट्रूबो सहित कई कंपनियां प्रतिष्ठित अनुबंध प्राप्त करने की दौड़ में हैं। हैदराबाद में सीए के खिलाफ विरोध के तरीके पर जुर्माना लगाया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने 3 छात्रों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। छात्रों ने सीए के खिलाफ कैंपस में रात 9 बजे के बाद शाहीन बाग नाइट का आयोजन किया था। इन पर विश्वविद्यालय के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। छात्र संघ ने इस फैसले की निंदा की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के एंदी गांव में अज्ञात लोगों ने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की है। पुलिस ने अज्ञातों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रेलकर्मियों और पेंशनरों को यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड की सुविधा मुहैया करवाई गई है। इसके जरिए रेल अधिकारी, रेलकर्मी और पेंशनर देश भर के रेलवे अस्पतालों में इलाज करवा सकते हैं। ये जानकारी रेल डिवीजन फिरोजपुर के DRM राजेश अग्रवाल ने दी। राजेश अग्रवाल ने बताया कि यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड के बिना रेलकर्मियों को 1 मार्च से मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाएगी। उन्होंने बताया कि फिरोजपुर डिवीजन के 52% स्टाफ ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर यह कार्ड बना लिया है। DRM ने बताया कि फिरोजपुर डिवीजन के अस्पतालों की दवाओं का रिकॉर्ड ऑनलाइन है। इसके जरिए मंडल के सभी अस्पताल और हेल्थ यूनिट में उपलब्ध दवाओं के बारे में पूरी जानकारी रहती है। किसी अस्पताल और हेल्थ यूनिट में कोई दवा उपलब्ध नहीं है तो वहां यह दवा उपलब्ध करवा दी जाए।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को आतंकियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बल ने अनंतनाग जिले के बिजबेहरा में एनकाउंटर में दो आतंकियों को मार गिराया है। ये आतंकी लश्कर ए तैयबा के सदस्य बताए जा रहे हैं। सीएए और एनआरसी के खिलाफ जिले के शाहीनबाग में प्रदर्शन करने वालों ने सड़क खुलवाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की वार्ताकार साधना रामचंद्रन ने चौथे दिन बातचीत की। प्रदर्शनकारियों ने वार्ताकार साधना रामचंद्रन के सामने कई मांगे रखी, तो वहीं प्रदर्शनकारियों से बातचीत करते हुए साधना रामचंद्रन ने कहा कि उन्हें कभी भी प्रोटेस्ट करने वालों को कभी पार जाने के लिए नहीं कहा। निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस के सभी दोषियों को तिहाड़ जेल प्रशासन लिखित तौर पर सूचना दे दिए हैं। अंतिम मुलाकात करनी हो परिवार और जेल प्रशासन को बता दें। नए आदेश में बताया गया है कि मुकेश और पवन अंतिम मुलाकात कर चुके हैं। दोषी अक्षय और अभिनय से भी मूल परिजनों की अंतिम मुलाकात के लिए कहा जा चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की खारिया में होने वाली 8 मार्च की रैली को कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में व्यवस्थाओं को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि सीएम के तैयारी की तैयारियों को लेकर पुख्ता प्रबंध के आदेश हैं और अधिकारियों की ड्यूटियों में लगा दी गई। बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह बरनाला रोड स्थित आवास पर जन समस्याएं सुनी और समस्याओं का समाधान का आश्वासन दिया। बजट को लेकर रणजीत सिंह ने कहा कि लोगों के वेलफेयर को ध्यान में रखकर हरियाणा का बजट पेश किया जाएगा। बजट को सीएम मनोहर लाल पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि बजट जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। यमुनानगर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने बताया कि जल्द ही शिक्षा के स्तर को सुधारने को लेकर केंद्र सरकार की ओर से कदम उठाए जाएंगे। क्वालिटी एजुकेशन के साथ स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। दरअसल पुराना गांव में पहुंचे नेलो के प्रदेश और महासचिव सुनैना चौटाला ने बीजेपी और जेजेपी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की झूठ और उसका असर दुष्यंत चौटाला पर भी चढ़ा। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के मौके पर सुनैना चौटाला ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है और सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झूठा नारा दिया जा रहा है। नागल चौधरी में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। नागल चौधरी में कोहरे की वाहनों की वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी हुआ। बता दें कि रबी के फसल के लिए खंडन जरूरी है। फतेहाबाद के रतिया इलाके में एक पुलिसकर्मी ने घर में घुसकर लैपटॉप तोड़ दिया है। इससे पुलिसकर्मियों और घर के लोगों में कहासुनी हुई, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। उन लोगों ने एसपी से इसकी शिकायत की। कैथल में बुलेट चालक को पटाखे बजाते हुए बुलेट चालान महंगा पड़ गया। यातायात पुलिस ने पटाखे बजाने पर बुलेट चालक को 23,000 रुपए का जुर्माना लगाया। ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज मुख्तियार सिंह ने बताया कि बुलेट पर सवार 3 युवक सिस्टरम रोड पर तेज गति से पटाखे छोड़ते हुए बुलेट चला रहे थे, जिसकी बाइक थी वो पुंडरी का रहने वाला था। एसएचओ ने बताया कि बुलेट चालक को आरसी का 5,000, ड्राइविंग लाइसेंस का 5,000, पटाखे छोड़ने और प्रदूषण फैलाने पर 10,000, ट्रिपलिंग का 1,000 और 2,000, हेलमेट का 2,000 रुपए काटा गया चला। रेवाड़ी में एआईएमआईएम नेता वारिस पठान के खिलाफ सामाजिक संगठन एकजुट हो गया है। उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। फतेहाबाद के मोहम्मदपुर रोही गांव में युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। नशे में धुत 3 युवकों ने हत्या की संगीत वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों समेत 4 अन्य लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। फतेहाबाद पुलिस ने सालमखेड़ा गांव के पास 1 किलो 50 ग्राम अफीम के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी गांव ढाड़ी सालमखेड़ा का रहने वाला है। उसका नाम सुशील कुमार है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की ओर से दूसरा जत्था करतारपुर के लिए रवाना किया गया है। यह जत्था बरनाला से रवाना हुआ, जिसमें 125 श्रद्धालु शामिल हुए। श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को समर्पित है यह जत्था। श्रद्धा भावना के साथ गुरु का कीर्तन करते हुए रवाना हुआ। इस मौके पर संगत में खुशी का माहौल देखा गया। जत्थे के वापस आने के लिए भी बसों का इंतजाम किया गया। इसके साथ ही एसजीपीसी की ओर से लंगर और रात के ठहरने का भी इंतजाम किया गया। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे ईटीटी पास बेरोजगार अध्यापकों की ओर से पटियाला के नेहरू पार्क में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार अध्यापकों ने पंजाब सरकार के खिलाफ
जमकर नारेबाजी। फरीदकोट के गुरुद्वारा टिप्पे साहिब में 1924 जैतो के शहीदों की याद में शहीदी जोड़ मेले का आयोजन किया गया। शहीदों की याद में यह समागम हर साल किया जाता है। इस साल समागम में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान गोविंद सिंह लोगोवाल ने शिरकत की और लोगों को संबोधित किया। संगरूर में 23 फरवरी को भिंड साहिब में ढेडसा परिवार की ओर से अपने समर्थकों के साथ एक बड़ी रैली की जा रही है। कहा जा रहा है कि यह रैली 2 फरवरी को अकाली दल की ओर से की गई रैली का जवाब। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विजय सांपला के प्रयासों से शुरू किए गए आदमपुर हवाई अड्डे पर फ्लाइट की बुकिंग शुरू हो गई है। 29 मार्च से फ्लाइट की उड़ान शुरू होगी। आदमपुर एयरपोर्ट से जयपुर का सीधा हवाई सेवा मिलेगा। समराला के गांव नौलंडी में खेतों में होकर घर लौट रही चौथी कक्षा की छात्रा को कुत्तों ने नोच नोच कर मार डाला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सरकार से गुहार लगाई कि वो आवारा कुत्तों को जल्द से जल्द कोई इलाज करे। पंजाब जगत के मशहूर गायिका गुरमीत बाबा की बेटी लाची बाबा का कुछ दिन पहले एक बीमारी के चलते निधन हो गया। उनकी आत्मिक शांति के लिए आज अमृतसर गुरुद्वारे में अखंड पाठ का आयोजन किया गया। होशियारपुर में एक शिकायतकर्ता ने अपने बयान फसलने की शर्त नहीं मानी तो आरोपियों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद पीड़ित ने भागकर अपनी जान बचाई। शिकायतकर्ता हरदीप सिंह का सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित का कहना है कि अगर पुलिस ने उसकी मदद नहीं की तो अब उसकी मदद कौन करेगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से बटाला के सिटी पुलिस स्टेशन के बाहर जमकर हंगामा किया गया। एलआईपी कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी देने का हाई प्रोफाइल ड्रामा किया। अमृतसर के सुल्तानपेंट रोड के ऊधम सिंह नगर में दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ है। झगड़े में हुए घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भर्ती के दौरान अस्पतालों में दोनों पक्ष एक बार फिर से आपस में भिड़ गए। वहीं मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पंजाब और उसके आसपास के कई इलाकों में मौसम ने अपना मिजाज बदला है। बठिंडा में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। ओले गिरने के बाद तापमान में गिरावट आई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के बाद प्रशासन की ओर से मोहाली एयरपोर्ट के आसपास 100 मीटर के दायरे में बिल्डिंग दुकानों और घरों पर जेसीबी चलाई गई। प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई के बाद लोगों ने कैप्टन सरकार के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिम्मेदारी बताते हुए जमकर कोसा है और कहा कि पंजाब के लोग अब बेघर हो गए। इधर वहां के सूखना अबलू गांव में एक युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी करने मौके पर बच्चों पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। श्री गुरु नानक देव जी की 550वें प्रकाश पर्व को समर्पित एक नगर कीर्तन गुरुद्वारा श्री बेर साहिब गुरुद्वारे से श्री करतारपुर साहिब तक का निकाला जा रहा है, जो 22 फरवरी से शुरू होगा। होला मोहल्ला मेला श्री कीरतपुर साहिब में 5 मार्च से शुरू हो रहा है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की तरफ से आने वाली लाखों की तादाद में संगत के लिए तैयारियां जोरों पर। फिल्लर में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की तरफ से अपनी मांगों को लेकर गुरदासपुर में रैली आंदोलन शुरू किया गया। रेलवे लाइन पर धरना प्रदर्शन किया गया। मंडी के नेरचौक मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 45 करोड़ की लागत से बन रहे कैंसर केयर सेंटर का शिलान्यास किया। शिलान्यास के दौरान सीएम ने कहा कि एक साल के अंदर सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका लोग फायदा उठा सकेंगे और लोगों को कैंसर का इलाज करवाने के लिए दूर जाना नहीं। हिमाचल के सीएम जयराम ने शिलान्यास करने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। धान के रेणुका विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत करीब 39 करोड़ की राशि पेयजल योजनाओं पर खर्च की जा रही है। जल जीवन मिशन को लेकर शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि मिशन के तहत हर घर में 2022 तक नलों के जरिए पानी पहुंचेगा। सुरेश कश्यप ने कहा कि सरकार जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दे रही है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने अलग से जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है। दसवीं और बारहवीं के सालाना परीक्षाओं के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बोर्ड की परीक्षाएं 5 मार्च से शुरू होंगी।
दसवीं के 1,04,338 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे तो वहीं 12वीं के 86,630 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे और SOS के मैट्रिक और प्लस टू के 15,282 परीक्षार्थी परीक्षाएं देंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट अपनी पत्नी डॉव चोचो के साथ 4 दिवसीय भारत दौरे पर आएंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति 26 फरवरी से 29 फरवरी तक भारत के दौरे पर रहेंगे। इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप की बैठक से आतंकवाद के मुद्दे पर FATF की ओर से पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। FATF के सब ग्रुप ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बने रहने देने की सिफारिश की थी, जिस पर FATF ने पाक को जून 2020 तक ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला लिया। चीन की जेलों में कोरोना फैलने के बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि इस बीमारी का भयानक रूप सामने आना भी बाकी है। बता दें कि चीन में 4 जेलों में 500 से ज्यादा कैदी संक्रमित पाए गए। शी जिनपिंग ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में गिरावट आने के बावजूद अब इसका चरम पर पहुंचना बाकी है। इस वायरस से सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुबेई प्रांत में अभी भी स्थिति गंभीर है। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक शी ने कहा कि हुबेई प्रांत और वुहान को बचाने की लड़ाई और बेहतर होनी चाहिए। इस वायरस को फैलने से रोकने के उपाय भी बेहतर किए जाने चाहिए। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मौत का यह आंकड़ा 2,239 के पार पहुंच गया है। चीन में 75,567 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। इसके साथ कम से कम 28 देशों में 1,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस का केंद्र रहे हुबेई में 62,662 लोग संक्रमित हैं, जबकि हुबेई की राजधानी वुहान में कोरोना से पीड़ित लोगों की संख्या 45,346 है। खतरनाक कोरोना वायरस की वजह से इटली में भी एक शख्स की मौत हो गई है। 78 साल के शख्स का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। यह शख्स पिछले 10 दिनों से अस्पताल में था, लेकिन इसके इलाज में डॉक्टर नाकामयाब रहे। इटली में एक मौत के बाद प्रशासनिक अधिकारी एक्शन में आ गए हैं। कोरोना से एक व्यक्ति की मौत के बाद शहरी परिक्षेत्र में 10 शहरों में सार्वजनिक स्थानों को बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ धार्मिक और खेल आयोजनों को रद्द किया गया है। कोरोना वायरस की वजह से ईरान में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 18 लोग इस वायरस से संक्रमित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि जल्द ही एक एक्सपर्ट टीम वुहान का दौरा करने वाली है। WHO के 12 सदस्यीय की टीम चीन पहुंच चुकी है, अभी टीम वुहान जाएगी। एयर इंडिया ने कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर घोषणा की है कि चीन जाने वाले विमानों की उड़ानें 30 जून तक रद्द रहेंगी।